नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईसीटी मीडिया न्यूज। मैं पवन कुमार राठौड़। जैसे जैसे कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है पूरे विश्व के अंदर, उसी तरह से भारत में भी इसकी जनसंख्या 31,000 के पार हो चुकी है और जो मौतें हो चुकी हैं वो हो चुके हैं 1,000 के पार। तो आपको बताना चाहेंगे, उसी तरह से जैसे ही ग्रीन जोन के अंदर था महेंद्रगढ़ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, तो ये भी ग्रीन जोन में ना रह करके अब यहाँ पे इस जोन का नाम चेंज होने जा रहा है, क्योंकि महेंद्रगढ़ के कुलताजपुर में एक मरीज यहाँ पे मिला है जो हॉस्पिटलाइज जयपुर में है। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो मरीज है, ये जो पेशेंट है, 60 साल की एक वर्दा है जो कैंसर से पीड़ित थी, और ये वर्दा जब अपना इलाज करवाने के लिए जयपुर में गई तो वहां पर इसको कोरोना से संक्रमित होना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे किसी न किसी व्यक्ति से या किसी न किसी के संपर्क में आने के बाद में ये कोरोना पॉजिटिव वहां पर हुई है। आपको बताना चाहेंगे कि इनके साथ साथ में इसके दो पुत्र और एक वधु भी और ड्राइवर इनके साथ में जयपुर में गए थे। आपको बताना चाहेंगे, सबसे पहले दुर्लभ हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुए थे, उसके बाद में इन्होंने अपना हॉस्पिटल बदला है। ये 19 तारीख को अपने गांव कुलताजपुर जिला महेंद्रगढ़ नारनौल के पास से यहां से गए हैं। उसके बाद में जब इनकी रिपोर्ट आई है तो उनके लक्षण देखने के बाद में रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई है। ये वर्दा महिला 60 साल की उम्र की है जो कैंसर से पीड़ित थी। बताया जा रहा है कि यहाँ पे इनके जो पुत्र वधु और इनके जो दो पुत्र हैं उनकी भी जांच जारी है। पूरे गांव को सील कर दिया गया है, प्रशासन यहां पे पूरी तरह से तैयार खड़ा हुआ है, गांव को सैनिटाइजर भी किया जा रहा है और गांव को पूरी तरह से चारों तरफ से सील कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं वहां पे बार बार चक्कर लगा रही हैं, हर तरीके से वहां पे किसी भी तरीके की कोई बीमारी ना हो, इसलिए वहां पे हर तरीके से ये टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस प्रशासन वहां पे तैयार खड़ा हुआ है। तो ये जो रिपोर्ट है, पहले जो ग्रीन जोन में था महेंद्रगढ़, अब इसका ग्रीन जोन हट चुका है, क्योंकि महेंद्रगढ़ के कुलताजपुर गांव में ये कोरोना पॉजिटिव ये व्यक्ति यहां का जो पाया गया है उसकी वजह से। आपको बताना चाहेंगे कि कुछ लापरवाही की वजह से कुछ गांव में अभी भी न तो ठेरी पहरा लग रहा है और न ही उसकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि गांव में ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं और हमारी तरफ कोरोना आ नहीं सकता। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आजादपुर मंडी के माध्यम से सब्जियां जैसे कि आसपास के क्षेत्र में जा रही हैं, उसी तरह से रेवाड़ी के कोसली में भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी रेवाड़ी के कोसली में भी कोरोना पॉजिटिव मिला है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक दुर्भाग्य की बात है कि पॉजिटिव जो केस मिल रहे हैं बहुत गलत हैं। ये दिन प्रतिदिन केसों की जनसंख्या है, केसों की जो संख्या है, जो कोरोना पॉजिटिव संख्या है, वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये एक बहुत अहम मुद्दा है और ये है, अगर हम इन मुद्दों को नहीं समझेंगे, इस बीमारी को नहीं समझेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे आस पड़ोस में भी, हमारे आसपास में भी ये बीमारी कहीं ना कहीं आ सकती है या हमारे घर में भी आ सकती है। क्योंकि हमें जब तक सुरक्षित रहना है तब तक हम सुरक्षित रहेंगे, अगर गलती से भी हमने असुरक्षित कवच दूर कर दिया तो हम कहीं ना कहीं इस बीमारी के, ऐसा ना हो कि हम भी इसके संक्रमण में आ जाएं। हमारी जब कुलताजपुर की सरपंच से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि बात बिल्कुल सही है, 19 अप्रैल को वो यहाँ से कैंडिडेट गए थे, जो पेशेंट है वो कैंसर से पीड़ित है, उसके बाद में वहाँ पे अपना इलाज करवा रहे थे, जैसे उन्होंने हॉस्पिटल बदला तो वहाँ पे उनकी कोरोना की जांच हुई, कोरोना की जांच होने के बावजूद फिर उसको कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसको लेकर के ये हड़कंप मच गया है। अब ये हड़कंप मच गया है पूरे नारनौल शहर के आसपास के क्षेत्र में भी मच गया है और कुलताजपुर को सील कर दिया गया है। उसके बाद में अब ये एक सनसनीखेज मामला बन गया है। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोरोना पॉजिटिव अभी तक नहीं पाया था, पिछले जब से कोरोना पॉजिटिव इस देश में आया है तब से हमारे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं था, लेकिन ये केस अब आने के बावजूद ये आगे बढ़ गया है कि महेंद्रगढ़ के अंदर भी कोरोना पॉजिटिव केस पाया गया है। यहाँ का स्थायी निवासी है, जो यहाँ का, जो जयपुर में उसकी जांच के दौरान, उसकी पड़ताल के दौरान पता चला है कि जयपुर में ये एक कोरोना पॉजिटिव केस है। दोस्तों, आप हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और हर न्यूज़ से आप अपडेट रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।